खबर खंडवा से, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने खोला मोर्चा। हम आपको बता दें, खंडवा में सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने व साथ ही साथ सहायिकाओं के संघ ने वेतन न मिलने के कारण प्रदर्शन कर सामूहिक अवकाश रखने की घोषणा कर दी। वहीं अपनी दूसरी तरफ मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया व साथ ही साथ मुख्यमंत्री व महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम पर कलेक्टरों में सौंपा ज्ञापन। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं द्वारा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 से 750 से 1000 रुपए बिना कारण बताए निरस्त किए गए हैं, जिनके कारण पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश की स्थिति पैदा हो चुकी है। इस आक्रोश के चलते भारतीय मजदूर संघ द्वारा मध्य प्रदेश निर्णय लिया गया कि 9 सितंबर को जिला एवं 15 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया गया है। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर। फरीद मंसूरी, एडीवीएन को जो ज्ञापन दिया गया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो ज्ञापन मैंने रीड किया, इसमें जो उनकी डिमांड है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, 1000 रुपया, 750 रुपया, 500 रुपये डिमांड कर रही है वो, तो ये राज्य स्तर से संबंधित है, वहाँ से वेतन बढ़ाया जाता है, हमारे स्तर से भी प्रोसेस नहीं होती है। और मानदेय तो उनको बराबर मिल गया है, जुलाई तक हमने कर दिया और अगस्त के दिन लगे हैं। और जिस तरफ से बताया जा रहा है कि इसमें जो 1500 रुपये का कुछ कह रहे हैं, वो अतिरिक्त मानदेय के इसमें जुड़ा हुआ था, उसका कैसे? वो शासन स्तर से संबंधित है, वो अपने यहाँ से नहीं। BLO को बोलते हैं, BLO के बारे में बता दीजिए। BLO में उनकी ड्यूटी लगी है, जो कि ज्ञापन में उन्होंने लिखा है, तो SDM साहब से मैं बात करूँगी। कोई भी ड्यूटी लगती है अपने काम के अतिरिक्त, तो काम तो प्रभावित होता है, तो मैं SDM साहब से बात करके जो भी सही रास्ता होता है निकालता हूँ। मैं साफ साफ लिख रहा था कि हम इन्हें शासकीय दर्जा देंगे और इनके अधिकारों को के लिए लड़ेंगे, उल्टा ये सरकार अधिकार छीन रही है। जहाँ अगर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की बात करें, आंगनवाड़ियों की बात करें, तो जहाँ पिछली सरकार ने इनके वेतनमान में वृद्धि करी थी, वहीं पर इन्होंने 1500 रुपये छीन लिए, जो कि कहीं ना कहीं इस सरकार की गंदी नीति को दर्शाती है। भारतीय मजदूर संघ चरणबद्ध आंदोलन इसके लिए कर रहा है। पिछले समय हमने तहसीलों में आंदोलन किए, अब हम जिला स्तर पर कर रहे हैं, आने वाले समय पर हम संभाग स्तर पर जाएंगे और प्रदेश स्तर पर जाएंगे। सरकार अगर नहीं मानी तो हम इन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। परिचय देता मुख्यमंत्री जी ने अपने वचन पत्र में कहा था कि मैं अपनी सरकार बनाते ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को रेगुलर करूँगा, पर उनके द्वारा अभी तक रेगुलर नहीं किया गया, और पिछले 3 माह से सतत हमारे पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं दिया जा रहा। वो सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि सभी बहनों को नियमित मान दिया जाए, और जो हमारे 1500 रुपये काटे गए हैं, जो केंद्र से मिल रहा है, उसको उन्होंने अपने ही राज्य कोटे में मार्जिन कर लिया है, पर वो जो केंद्र की अलग से निधि है वो अलग से दिया जाए और हमको रेगुलर किया जाए।